देखिए, आप लोगों से मैं कई बार जब जब आपसे हमारी मुलाकात हुई आप लोगों से, तो मैं यही कह रहा था कि जो गांव में जो जज्बा है, जो जुनून है, वो सड़क पे नहीं है। सड़क पर वो लोग आते हैं जो स्थापित नेता है। तो स्थापित नेता लोग अब चार लोग बोलने लगते हैं तो गरीब कमजोर तो बोलता नहीं है। आज बोलते हुए नज़र आया कि आप देखे होंगे सड़कों पर जो बसें जा रही थी, उस बस में जय सुहेल देव का नारा भारतीय समाज पार्टी का जोरों पर लग रहा था। और उसके पीछे मात्र इतना कारण है कि देखिए, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो गुलाम अपनी बीड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। अभी जो 76 साल की आज़ादी में, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, जो लोग शासन किए, उनकी निगाहों में ये वोटर नहीं था। आज धीरे धीरे उसको उभारा जा रहा है कि आप शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अपने बेहतरी के लिए, नाली पुल पुलिया खड़ंजा चक्रूट के लिए आप आगे आओ, आप खुद लड़ो। तो उसका नज़ारा आज आपने, और ये काम आज नहीं, आपने यही देखा कि आपके ही धरती पर मऊ में महिला सम्मेलन, न भूतो न भविष्यो, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं कोई कर पावे। चाहे महिला सम्मेलन करें, चाहे युवा सम्मेलन करें, चाहे चुनावी सभा करें, चाहे रैली करें, तो लोगों का रुझान पार्टी के प्रति, और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, तो चुनाव मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ लड़ाई नहीं है। लोग लड़ रहे हैं, सपा के लोग अपनी जमानत बचाने के लिए, हम लोग लड़ रहे हैं लीड के लिए कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा लीड कर लें, हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं।